बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति अनावरण समारोह समिति अकोदा की ओर से अंबेडकर सर्कल अकोदा में आज बाबा साहेब की मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सीताराम बैरवा व जग्गाराम वर्मा ने पत्रकार को बताया, मूर्ति अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि रवि प्रकाश मेहरड़ा, विशिष्ट अतिथि फुलेरा, विधानसभा विधायक निर्मल कुमावत, अकोदा सरपंच पुष्पा मेघवाल ने पत्रकार को बताया कि शिक्षित होना और शिक्षा लेना, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज को ये शिक्षा दी और सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी दी है। उपस्थित मंच पर फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, आकोदा सरपंच पुष्प मेघवाल, अध्यक्ष सीताराम बैरवा, अखिल भारतीय बैरवा महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार बैरवा, सुनील बड़ी फुलेला, पार्षद श्रवणलाल वर्मा, किशन लाल सैनी बैरवा समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आखिर में लाइन लिखते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पर सामने देख लो सभी, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए उन्होंने, हमारे समाज के उन्होंने, कई लोगों ने तो उनको छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई उन्हें निकम्मा कहा गया, कई उन्हें ये कहा गया कि काम चोर है, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे और आगे चलते रहे और हमें एक अच्छा समाज दिया और हमें समाज में आज प्रगतिशील समाज दिया। जिस समाज में हमें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमें खाना खाने का अधिकार नहीं था, हम गुलामी की राह में जी रहे थे, वो हमें गुलामी छुड़ा के बाबा साहब ने हमारे साथ में आज ऐसा काम कर गए जिससे कि आज हम एक साथ हैं, एक मंच पे हैं और हमारी माताएं जो सर भीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इतनी आपको मालूम है तो उनके बारे में एक दो शब्द बताइए जो जनता को काफी ये मिले। देखिए, उन्होंने एक चीज कही कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। अगर हम 50 साल भी जी लें और उस 50 साल में हम बहुत अच्छे काम कर जाएं देश के लिए तो वो 100 साल के बराबर है। और शिक्षा के बारे में जो अंबेडकर साहब ने जो शिक्षा के बारे में जो दी थी ये किया था, वो कौन से सन में किया था और क्यों किया था? देखिए, यहाँ सन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इस बात का है कि उस दौर में उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा को देश के हित में उस शिक्षा का प्रयोग किया। कई लोग शिक्षा का प्रयोग नकारात्मक चीज़ों में करते हैं, उन्होंने सकारात्मक चीज़ों में उस शिक्षा का प्रयोग किया कमज़ोर वर्गों को उठाने के लिए संविधान के निर्माण में। तो ये सबसे बड़ी बात उनकी थी कि देश को वो समर्पित थे और आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। धन्यवाद सर आपको, हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आकोदा के तरफ से पूरे आकोदा की जनता आपके आभार प्रकट करते हैं। ना कुछ जानते हैं मगर आने वाली पीढ़ी उनको अच्छी तरह जाने, हम सब लोग अपना इतिहास को समझें, उनके द्वारा किए गए देश के संविधान के निर्माण में अहम जो उन्होंने भूमिका निभाई, जो अधिकार आज आजाद भारत में हमको सबको मिले, उनके बारे में आने वाली पीढ़ी को, विशेष तौर से युवा पीढ़ी को हमको बताने का हम सबका दायित्व है। मैं उस महान विभूति को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ बाबा साहब को, कि उन्हीं की देखने की आज हमारे साथ कई देश आजाद हुए, उसमें श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, बर्मा भी है, यहाँ तक और भी कई ऐसे देश हैं, मगर उन देशों का लोकतंत्र और अपना लोकतंत्र आज कहीं भी हमारे सामने नहीं टिकते। आज हिंदुस्तान वो मुल्क है, वो देश है जहाँ कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर अपनी बात स्वतंत्रता से आजादी से अपनी बात को रख सकता है। ये अगर किसी की देन है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, संविधान के आगे सब बराबर है। वो सारी देन अगर कोई है तो भारत के संविधान में है, उसमें सबसे बड़े अगर किसी की भूमिका है तो माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भूमिका है। 75 साल पहले वो सोच थी उनकी। भाइयों और बहनों, माताओं, ये बहुत ही एक ऐसा अवसर है जब आज हमने अपने युग पुरुष महापुरुष और सदियों से जिस स्थिति में वंचित कमजोर समाज जिस परिस्थिति में था, उस महापुरुष की मूर्ति का आज ग्राम आकोदा में मूर्ति का अनावरण किया गया। मैं आप सभी को
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ ग्राम आकोदा वासियों को, विशेषकर बैरवा समाज को, कि उन्होंने बाबा साहब की इतनी अच्छी जगह आप लोगों ने मूर्ति अनावरण कराया लगाया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब, उनको हम सभी बुलाते हैं। आप देखिए कि 100 साल पहले, 100 साल से भी ज्यादा पहले, जब वो अपना काम शुरू किया उन्होंने यहाँ देश में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका पढ़ के आए, इंग्लैंड पढ़ के आए और इतनी सारी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, उनके लिए बड़ा आसान था। हमारी तरह उस समय तो आईएएस नहीं आईसीएस कहलाता था और उनको ऑफर भी दी गई कि आप इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन कर लो, जो आज का आईएएस बोलते हैं ग्रुप, उनको ऑफर भी दी गई, उनको कहा भी गया, निवेदन भी किया गया, लेकिन बहुत आसान तरीका था, वो जा सकते थे इतना बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, वो आसानी से अपने घर में बैठ के आराम कर सकते थे, किताबें लिख सकते थे जिनका उनको शौक था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया वो आप सब जानते हैं। उस समय जो कमजोर वर्गों की स्थिति थी, उस स्थिति से वो वाकिफ थे, जानते थे क्या परिस्थितियों में वो रहते हैं, किन आर्थिक सुविधाओं से वो गुजरते हैं, किस सामाजिक असमानता उनको झेलनी पड़ती है, छुआछूत झेलनी पड़ती है, इसी कुएं से